सब्सक्राइब करें शोबी हेयर सॉल्यूशन को और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शोबी हेयर सॉल्यूशन गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैजरल कलर का मिक्सिंग रेशो क्या होता है एग्जैक्ट, वही आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने देख लिया होगा मैजरल कलर मिक्सिंग रेशो, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि इसका मिक्सिंग रेशो एग्जैक्ट कौन सा होता है, ठीक है, और बेस कलर में कौन सा मिक्सिंग रेशो होता है, फैशन शेड में कौन सा मिक्सिंग रेशो होता है, इन दोनों शेड्स में अलग अलग मिक्सिंग रेशो होते हैं। यस गाइज, इन दोनों शेड्स में अलग अलग मिक्सिंग रेशो होते हैं, ठीक है। आज मैं उन्हीं को यहाँ पे शेयर करूँगा कि कौन से ट्यूब के अंदर कौन सा मिक्सिंग रेशो यहाँ पे हम कर सकते हैं और एग्जैक्ट कलर हम कब अचीव कर सकते हैं, कौन से वॉल्यूम से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेके 10 तक जो हमारे बेस शेड हैं उनके अंदर आप 1:1.5 का रेशो रखोगे, मतलब अगर 30 आपने ग्राम ट्यूब ली है तो आप 45 ग्राम आप यहाँ पे इसका वॉल्यूम यूज़ करोगे, ठीक है। 30 ग्राम आपने ट्यूब ली है तो आप करोगे 45 ग्राम यहाँ पे उसका वॉल्यूम यूज़, मतलब ट्यूब से 1.5 गुना यहाँ पे आपको उसका वॉल्यूम यूज़ करना है 1 से 10 तक लेवल तक, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फैशन शेड के अंदर। जैसे कि मैजिक लिफ्टिंग की एक सीरीज़ है, उसमें मैं एक ट्यूब पड़ी है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ उसका मिक्सिंग रेशो क्या होने वाला है, ठीक है। ये मेरे पास मैजिक लिफ्ट की, ये देखिए मैजिक लिफ्ट की ट्यूब है, ठीक है। मैजिक लिफ्ट एक सीरीज़ है इस मैजरल फैमिली के अंदर, ठीक है। वैसे तो 4 सीरीज़ आती हैं हमारा, मैजरल, मैजिक कंट्रास्ट, मैजिक लिफ्ट, मैजिक ब्लॉन्ड, ठीक है, और मैजिक रूज, ठीक है। ये हमारे पास फ़िलहाल मैजिक लिफ्ट की सीरीज़ है। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा, इसका नंबर है 12.5, ठीक है, 12.5 इसका नंबर है। तो अगर हमें ये ट्यूब कलर जो हमारा शेड है 12.5 लाइट ब्लॉन्ड विद मोगनी रिफ्लेक्ट, ठीक है, हम इसको कैसे एग्जैक्ट अपने हेयर में ला सकते हैं, अगर किसी के वर्जन हेयर है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी ने पहले केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया हो अपने हेयर पे, पहले कभी डाई कलर कंज्यूमर ब्रांड कलर घर पे भी नहीं कर रखा हो, जिसके एकदम फ्रेश बाल होता है, ठीक है, फ्रेश हेयर होता है, उसके बालों के ऊपर आप इसको डायरेक्ट 12.5 को विद उसके साथ आप यूज़ कर सकते हो। अगर किसी के 4 नंबर का बाल है अगर किसी का, ठीक है, 4 नंबर का हेयर है, तो उसके साथ आप 20 वॉल्यूम आप मिक्स करके, ठीक है, 1:2 का रेशो रख के, मैजिक लिफ्ट की सीरीज़ का 1:2 का रेशो रख के, ठीक है। अब बहुत से ये कहेंगे कि सर आपके जो वॉल्यूम आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे वो कर रहे हो स्ट्रिक्स, मेरे पास अभी लोरियल का नहीं है वॉल्यूम, ठीक है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए स्ट्रिक्स का वॉल्यूम यहाँ पे दिखाया कि आपको 20 वॉल्यूम यूज़ करना है। बट अगर आप कोई भी किसी भी कंपनी का यूज़ करते हो, किसी भी प्रोफेशनल कंपनी का वॉल्यूम, उन सब का रिजल्ट सेम ही रहता है, क्योंकि सबके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेम ही रहती है, ठीक है। अगर आप लोकल ब्रांड का नहीं यूज़ करोगे तो आप अगर कंपनी का यूज़ करोगे कोई भी वॉल्यूम तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको अचीव करवाएंगे, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से ब्रांड का वॉल्यूम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपके पास कलर ट्यूब आपको मालूम होनी चाहिए एंड आपको वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। अगर आपके 4 नंबर के हेयर हैं तो आप इसको 20 वॉल्यूम से डिपॉजिट करके एक लाइट ब्राउन शेड मोहगनी रिफ्लेक्ट में आप इसको अचीव कर सकते हो अपने हेयर पे, जो कि सनलाइट में काफ़ी अच्छा विजिबल होता है, ठीक है। आजकल ज़्यादातर सेटल लुक पसंद होता है तो मैं उनको रिफ़र करूँगा, अब मैं उनको सजेस्ट ही करूँगा कि मैजिक लिफ्ट के 12.5 लें वो ट्यूब, उसके साथ 20 वॉल्यूम लें और फुल लेंथ पे अप्लाई कर दें। इसकी जो टाइमिंग होती है 45 मिनट्स होती है एंड जो आपके रिजल्ट आएगा वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग आएगा, ठीक है। 45 टाइमिंग रहेगी, बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करना है। 1:2 का इसका मिक्सिंग रेशो होने वाला है, मतलब अगर 30 ग्राम ट्यूब है तो 60 ग्राम इसका वॉल्यूम आप मिक्स करोगे, ठीक है, 1:2। अगर 30 ग्राम, फिर से बता रहा हूँ, अगर 30 ग्राम आपने ट्यूब ली है तो वॉल्यूम आप करोगे 1:2, मतलब 60 ग्राम आप इसका वॉल्यूम यूज़ करोगे, ठीक है। आप मिक्स करना, अच्छे से एप्लीकेशन करना, ठीक है। एप्लीकेशन करने के बाद आपको 45 मिनट्स वेट करना है। वेट करने के बाद आपको सिंपल वाटर से वॉश कर देना। तो आपके पास कलर प्रोटेक्शन का है तो आप कम शैम्पू यूज़ करते हो, बट कास्टिंग शैम्पू जिसमें बहुत ही ज़्यादा सल्फेट हो, ठीक है, वो यूज़ मत करना, क्योंकि वो कलर को भी फेड कर देता है वॉश करते हुए। या तो आप करें कलर प्रोटेक्शन का शैम्पू यूज़, तो काफ़ी, वरना अगर आपके पास वो नहीं है तो आप काफ़ी माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
ओके गाइज, बाय।